चलो जी, बड़ी अच्छी इसने लीश पहनी हुई है। इसके कॉलर के अंदर भी देख, एक और है ऊपर से होल्डर। कितनी 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 खूबसूरत इस वक्त मौसम हो रहा है। अब ये देख रही है बब्जी, अब इधर आ गया देखने की। सालों मेरे खानों पे नजर डालोगे तुम, दोनों ताक में है। ओला देखो चुपचाप चुपचाप बब्जी को ना बेवकूफ बना के देखो, उस साइड से वहां निकल गई है कि तू नहीं खा रहा मैं। होय रॉ, कितनी चला के परफेक्ट वाइफ है ये भाई, बड़ी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग ऑन अ ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग ऑन योर फेवरेट चैनल नमितोलॉजी। और आज का दिन ऐसा है, फटाफट से कार्डियो कर लिया 5 किलोमीटर का, और थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर ली है, वेटेड स्क्वाट मार लिया, मतलब बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली है, ट्राइसेट मार लिया, शोल्डर आर्म्स और स्क्वाटिंग का ही। और फिलहाल 9 बज रहे हैं, मैं जाती हूँ नीचे और बस यार जाके अपना काम वाम करते हैं, खाना वाना खाते हैं। और दिन बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल मॉर्निंग है। आप देखो कितनी 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 खूबसूरत इस वक्त मौसम हो रहा है। बीच बीच में सन आता है चला जाता है, बट हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। ओवरऑल ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड वेदर, ग्रेट स्टार्ट टू अ संडे मॉर्निंग। और करते हैं यहाँ से आज के ब्लॉग की शुरुआत। और यहाँ ये जर्मन शेपर्ड जोई कर रही है मम्मा की और शिवाय की प्रोटेक्शन। ऊपर से पूरा पैक भौंक रहा है कि कहाँ जा रहे हो सारे, देख रहे हो आप, वो देखो वो रिक्लेम। चलो जी, कहाँ ये वो है चंपा, बहुत बूढ़ी हो गई है भाई, बहुत बूढ़ी हो गई है। और इसको कहाँ लेके जा रही है, नानी के घर। चलो जी, बड़ी अच्छी इसने लीश पहनी हुई है। इसके कॉलर के अंदर भी देख, एक और है ऊपर से होल्डर है ना। हाँ काफी अच्छा यार, मतलब लीश के लिए अलग स्लॉट है। और वैसे लीश के बाद भी अगर पकड़ना हो डॉगी को, ये भी है। और लीश भी तूने बांधी हुई है, बैठ रहा ऊपर। तो गाइस फाइनली शाम हो गई है और संडे का दिन था। सुबह हम लोग, राहुल ने बताया ही होगा आपको किसी न किसी ब्लॉग में, शायद जेएन रेल में या कहीं पे, कि हम लोग मुरथल गए थे पराठे खाने। ना लेडी वाली खड़ी हुई देख रही है कि कहाँ जा रहे सारे। हाँ ओला, जोई बैठ गई है ना तो जेलस हो रही है कि उसको ले जा रहे हो, मुझे नहीं। जोई ओला ना जेलस हो गई कि तू जा रही है और वो नहीं जा रही है। दो कहाँ जा रही है, बड़े दिन बाद जा रही है ये भी घूमने, है ना। इतने दिनों से कोई भी नहीं गया घूमने, आज ये जा रही है। मैडम शिब्बू को छोड़ने जा रही है नानी हाउस। ये देखिए यहाँ पे, तो गाइस फाइनली हमने ना शिवाय को छोड़ दिया है, और जहाँ हम जोई को लेके गए थे ना, जोई की वहाँ पे पहले से बहुत ज्यादा दुश्मनी है, भाग भाग के अब फाइनली पीछे वाली सीट पे महारानी बन के लेट गई है। और पूरा एसी फुल पे किया हुआ है हमने, और यहाँ पे वेंट भी है एसी, उससे हवा आ रही है डायरेक्ट, इसको आराम से लेटी हुई है बिल्कुल। इस गाड़ी की इसको पहचान बहुत है ना, घूमी बहुत है इस गाड़ी में। पिथौरगढ़ भी गई थी तो अंदर बैठ के गई थी, मसूरी भी गई थी तो भी इधर ही अंदर बैठ के गई थी। इसको बहुत आदत और पहचान, सबसे ज्यादा मुझे लगता है इसी को ही है, और इसी को है, और सबसे ज्यादा खुश भी रहती है इस गाड़ी में, है ना। आराम से देखो पसरी हुई है, दो आराम से पट्टा और लीश दोनों पहन के बैठी हुई है। दो दी अब तो बाल भी सारे आ गए वापस, काफी हद तक आ गए हैं। हाँ पूरा कोट आ गया वापस। मैंने कोई क्वेश्चन भी पूछ रहा था कि आप बार बार ना नई नई लीशेस और नए नए कॉलर्स की दिखाते हो, क्योंकि दे आर फॉर सेल। यस, ये वाला जो लीश है ये तो बिल्कुल नया है। हाँ, ठीक है। और ये बेसिकली ट्रेनिंग पर्पस के लिए, लीशेस तो हमारे पास लिमिटेड ही है, कॉलर्स बहुत अच्छे हैं। नहीं तो अच्छी तो लीशेस भी है, पर एसकेयूज हमने बहुत लिमिटेड और बेसिक रखे, जो मतलब यूजेबल हो, ज्यादा फैंसी वाला वो नहीं कि तुम ले तो लो देख के, पर तुम्हें पकड़ जब पकड़ने लगो तो हाथ से छूट जाए, तुम्हारे खुद का हाथ कट जाए, वो वाला काम नहीं है बिल्कुल। स्मूथ काम है कि आपके हाथ में भी टिकी रहे और डॉग भी खुश रहे, आपके हाथ से फिसले भी ना, आपके हाथ को भी कोई डैमेज ना हो। क्यों दो खुश है अपने नए वाले फॉलोअर देख रही है, देख रही है यहाँ से आई है मुझे देखने के लिए कि बाहर दिखाओ मुझे। अब खुश कहाँ बैठे हो आप,
पापा गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ मैं बैठी हुई हूँ और ये हमारे बीच में बैठी हुई है बिल्कुल, ताकि एसी की सीधी हवा आए, नज़ारे भी दिखे और ड्राइव का एंजॉयमेंट भी हो जाए, है ना। हेलो, गार्डिंग पोजीशन में, प्रॉपर गार्डिंग पोजीशन में आप जर्मन शेपर्ड्स गार्ड करते हैं? हाँ, हमें तो लगा था आप क्यूट बाबू हो सिर्फ। हाँ, आप तो प्रॉपर गार्ड कर रहे हो। हाँ, पीछे से अपनी बॉडी लटका के ना, सिर्फ इसके ऊपर मुंह रखा हुआ, ये देखो ना। सोई किसी लग रही है ना बोली वाली, सो ही जाएगी मुझे लगता है ऐसे। वो बीच में ना स्पेस है, देखो कैसी लिखी हुई है। तो गाइस, हमें ना शक है कि ना जो अपनी जर्मन शेपर्ड जोई है ना, वो हीट पे है, इसीलिए हमने ना इसको अलग रखा हुआ है बिल्कुल पैक से, और चार्ली भी उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो अब तो कंफर्मेशन है कि हीट आ गई। गाइस, फाइनली रात का टाइम हो गया और मैं फिर से जा रही हूँ संगीता के साथ रात को खाना डालने। और सुबह हमने इनको दिए थे, आज हमने सुबह ना अंडे नहीं दिए, क्योंकि एक तो हम मुरथल चले गए थे, तो वैसे उस बात को उससे कोई रिलेशन नहीं है। आके हमने इनको 11 बजे खाना खिलाई दिया था, बट हमने इनको खिलाई थी पेडिग्री और चावल सुबह, सबने खाया था सुबह, तो हमने बब्जी नहीं खाया था, बब्जी नहीं खाई ना, तो बब्जी का बेसिकली हमारा ये इंटेंट था। हेलो बच्चों, बस निकल गई, अब भाई सब कहाँ बैठे हैं? बब्जी क्लोडो, रिलैक्स क्लोडो, तो एक्साइट ऐसी हो जाती है, पागल ही हो जाती है। बब्जी आ जा, चिकन आ गया। तो गाइस, बब्जी ने ना सुबह भी नहीं खाया था नाश्ता, क्योंकि उसको चिकन की इतनी आदत हो गई है, तो वो सुबह का जो मील है वो स्किप कर रहा है, तो ये सोच के हमने उसको अंडे नहीं दिए थे कि वो अंडे नहीं खा रहा, तो चलो उसको पेडिग्री दे देते हैं सुबह चावलों में मिक्स करके, तो वो भी उसने नहीं खाई भाई साहब ने, तो हमने क्या किया, उसको चिकन बना दिया आज फिर से, जबकि हमारा नेक्स्ट चिकन जाना था सैटरडे था ना, तो संडे मंडे ट्यूसडे जाना था, पर उसको फिर आज चिकन बना के दिया कि भाई बच्चा एक मील तो खाए, तो राहुल कहता मैं और ले आऊँगा, अगर बच्चा खुश होके खा रहा है ना तो उसको खाने दो। तो अब ये आ गए, बब्जी उठ के उसको समझ आ गई, ओए आला, ओए क्या है मतलब, क्यों पागल हो गई क्या, कैसे कूद रही मेरे ऊपर पागल लड़की, चुप बब्बी, ये अच्छा बच्चा है मेरा, ओला सिट, मम्मा नो, ओला सिट, हाँ जी बब्बू डब्बू, आपके लिए फिर से चिकन बनवाया, पापा ने कहा है कि बब्बी को चिकन खिलाओ, अगर बब्बी को खाना है चिकन तो ठीक है ना बब्बे। कैसे मौसम इतना गंदा हो रखा है यहाँ पे, इतना गंदा हो रखा है, बब्बी कमजोर सा लग रहा है, एक ही बार खा रहे ना दिन में, नहीं खाया ना, ऐसे ही करता है, इसको चिकन इतना पसंद है ना। बब्बी डब्बी को क्या हुआ, बब्बी डब्बी, बब्बी डब्बी, ओए मेरा बब्बू डब्बू, चिकन निकालो फटाफट, इन्हें खिलाओ, बब्बी डब्बी को चिकन खिलाओ फटाफट। तो गाइस, जब तक संगीता इनका खाना लगा रही है, मैंने सोचा आप लोगों से बात ही कर लूँ, बस अब मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं शिवाय को लेके, और जे भी आ रहा है, तो इसी बहाने जेजू भी हमें मिल लेगा। बड़े दिन हो गए यार, जेजू आता है पर उसका ना दिल नहीं लगता, वो रोता है, शायद उसको हम इतना प्यार ही नहीं दे पाते, सारा ध्यान हमारा शिवाय में रहता है, क्योंकि शिवाय की प्रॉब्लम तो आप सबको ही पता है, तो ऐसे ही है, बट ठीक है, समटाइम्स आई फील बैड। आज राहुल भी कह रहा था कि अगर तू समझदार लड़की होती तो दूसरा बच्चा नहीं पैदा करती, फिर मैं कहती हूँ यार अब कर लिया, हो गया तो अब ये बातें करने का कोई सेंस नहीं बनता, बट फिर मुझे बुरा लगता है एज अ मदर कि मैं उसको वो प्यार नहीं दे पा रही जो वो डिजर्व करता है। अब आप खुद बताना कि मैं अपनी जगह क्या करूँ, मतलब क्लोडो आके खड़ी हुई डांट कर, बब्जी तो यहाँ पे ना क्लोडो ना बब्जी के खाने पे नजर मारने की कोशिश कर रही, पर बब्जी इतना सीधा है ना, वेट कर रहा था कि जब तक बोलेंगे नहीं ना कि बब्जी आके खाना खा ले, तो तब तक नहीं आऊंगा, अब हट गए हैं सारे बच्चे, बब्जी शांति से अपना खाना खा रहा है, ओला को भी वहाँ पे खाना डाल दिया और क्लोडो को भी, और जोई तो नीचे ही थी, तो जोई को तो पहले ही सबसे मिला है आज, तो जोई नीचे से भौंक रही है और यहाँ पे खा रहा है बब्जी। हाँ तो गाइस, तो मैं जो बात करी थी तो आप ही बताना कि मैं, मुझे पता है कि मतलब आप लोग भी कहोगे कि नहीं अच्छी बात नहीं, आप जे को अपने साथ नहीं रखते, उसका मन ही नहीं लगता, वो रहता ही नहीं, वो शुरू से वहीं रहा है, और मतलब मुझे भी ऐसे लगता है कि जैसे अगर मैं जे को यहाँ रख लूँगी तो कहीं मेरा प्यार शिवाय के लिए बट ना जाए, और जो अटेंशन शिवाय को चाहिए, क्योंकि शिवाय की हर बात हमें समझनी पड़ती है, वो समझा तो सकता नहीं, तो पता नहीं, समटाइम्स आई फील वेरी बैड कि मैं बड़ी गंदी मदर हूँ, तो आई डोंट नो, आप लोग बताना।
बाकी अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखो पैसा है तभी आगे जाके बच्चे को भी कोई पूछेगा। अंबानियों की शादी में देख लो, बड़े बड़े सुपरस्टार और पता नहीं कौन सी दुनिया आके नाची। कोई उनसे कोई ये थोड़ी है कि अंबानी बहुत शक्ल के सुंदर है या फिर मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब सब भगवान है कोई। ये है कि पैसा है, 2-2 करोड़ की उसने घड़ियां बांटी तो उसके आगे पीछे सलमान नाच रहा है, मोदी जी भी उसके फंक्शन में आए, तो मतलब पैसा है तो सब कुछ है यहाँ पे। तो आगे जाके अगर बच्चे की लाइफ सिक्योर रखनी है कि कल को मुझे कुछ हो जाए, राहुल को कुछ हो जाए, तो बच्चे की लाइफ सिक्योर रखने के लिए हमें पैसे तो कमाने पड़ेंगे ना। तो दिल्ली जैसी फास्ट लाइफ में जहाँ पे हम अकेले रहते हैं न्यूक्लियर फैमिली में, राहुल के मम्मी पापा भी जितना कर पाते सपोर्ट उतना कर लेते हैं, बाकी उनकी अपनी भी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं और बीमारियां हैं, एज है, तो उससे उन ज़्यादा इससे ज़्यादा मैं कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती। मेरी मम्मी भी पूरी तरह से जे को संभाल रही है, इससे ज़्यादा मैं क्या किसी से एक्सपेक्ट करूँ। बाकी रूटीन हमारा ऐसा है अगर, और मेरी बॉडी ऐसी है कि अगर मैं घर बैठ जाऊंगी सुबह 1 घंटा, अगर मेरे को नहीं वर्कआउट करने को मिलेगा तो मेरी बॉडी बहुत गंदा रिएक्ट करती है, मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, डाइट में अनशन खाने लग जाती हूँ और मतलब बहुत मोटी सी हो जाती हूँ। तो वो फिजिकली मुझे फिट रहना है, मुझे कई डॉक्टर्स ने बोला है कि आपको वर्कआउट करते रहना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं बैठ सकते घर पे। फिर उसके बाद ऑफिस भी देखना होता है मुझे, फिर मैं यूट्यूब पे भी हम कॉन्टेंट इसलिए क्रिएट करते हैं कि जैसे आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ये भी एक तरह से सोर्स ऑफ इनकम है। फिर और भी चीज़ें, राहुल का भी बिजनेस, फिर उसके बीच में शिवाय को स्कूल से लेने छोड़ने का काम क्योंकि वो स्कूल की बस वगैरह में नहीं सही से बैठ पा रहा, और उसके बाद फिर आके शिवाय की क्लासेस भी कराओ, तो बहुत सारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। उस बीच अगर मैं जे को बीच में डालूं तो थोड़ा फिर वही है, आई डोंट नो, आप बताना कि कैसे थोड़ा मैनेज कर पाएँ। और एक चीज़ बेटर हो सकती है नेक्स्ट ईयर से, जे का स्कूल अभी अलग है, वो नानी के घर के पास वाले स्कूल में ही जाता है, और जो अपना शिवाय है उसका स्कूल अलग डायरेक्शन में है, तो नेक्स्ट ईयर से दोनों एक ही स्कूल में हो जाएंगे क्योंकि जे फिर नर्सरी में आ जाएगा, अभी तो वो प्ले में ही पढ़ रहा है। तो उस लिहाज से हम जैसे शिवाय को छोड़ने जाया करेंगे तो जे को भी साथ छोड़ेंगे, तो उस लिहाज से ये हो जाएगा कि हम लोग मतलब दोनों बच्चों को इकट्ठे लेना छोड़ना टाइप्स कर देंगे। उसमें भी दिक्कत है, जे का स्कूल तब 12 बजे की छुट्टी पे होगा, शिवाय फर्स्ट में आ जाएगा तो उसकी पूरे दिन की स्कूल लगेगी, उसकी छुट्टी 1:30-2 बजे होगी, तो देखते कैसे मैनेज करेंगे लाइफ को। मैं तो पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ पूरा दिन, मैं यही सब चीज़ें सोच सोच के अपना दिन निकाल देती हूँ कि यार हम आगे जाके कैसे मैनेज करेंगे, हमने सही डिसीजन लिया है 2 बच्चे करके, नहीं लिया, पैसे दिल्ली में इतना महंगा है सब कुछ, स्कूल की फीसें वगैरह, मतलब इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल दिल्ली में एक सिंगल इनकम से कि मतलब राहुल कमाता रहे और मैं घर बैठूं और बच्चे संभालूं, तो हम बच्चे पाल ही नहीं पाएंगे भाई, बहुत खर्चे हैं दिल्ली में। फिर आपको सोसाइटी में भी लिव अप करना है। अब शिवाय दिल्ली के सबसे टॉप स्कूल में है, जे भी कल को वहीं जाएगा, तो उसके बाद आप लोगों को उन पेरेंट्स के बीच में उठना बैठना भी है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी। और यार हम शुरू से बहुत अच्छे स्टैंडर्ड से पले हैं, मतलब राहुल भी बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है बैकग्राउंड वाइज, मैं खुद माई फादर इज़ ऑल्सो वेरी वेल ऑफ, तो ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान में रखें तो ये सब स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं। आप नहीं जी सकते वैसी कोई सी भी लाइफ जो आप जीते आए हो उसके अलावा, तो हर चीज़ कब के बारे में सोचना पड़ता है, यू हैव टू लिव अप विद द सोसाइटी। तो बस यही टेंशन रहती है हम कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो आप बताना अगर आपके पास कोई भी ऑल्टरनेट मेथड आपको लगता है कि जिससे जे भी हमारे साथ इंक्लूड हो जाए हर चीज़ में। आई नो अब वो बड़ा हो गया और उसको ना सारी अकल आ गई है, अब वो नाना नानी से बहुत प्यार करते हैं, हम कितनी भी कोशिश कर लें हम उसके मम्मी पापा सिर्फ नाम के ही रह गए हैं, प्यार वो नाना नानी से ही करता है, बाकी देखो दिल तो दुखता है यार मेरा, मेरा ही बच्चा है ना। और एक बच्चा बोलता नहीं जो बोलता है मेरे साथ रहता नहीं, पता नहीं भगवान मेरे से किस चीज़ का बदला ले रहा है, मुझे तो खुद नहीं समझ आती। कई बार तो मैं भगवान को कहती हूँ अच्छी आपने मेरे साथ ना करी है, बस ठीक है। देखते बच्चों ने खाना खा लिया, क्या हुआ है, बब्जी ने नहीं खाया, उसने तो बब्जी ने चिकन चिकन तो खा लिया है, सिर्फ वो छोड़ा है अपना, क्या बोलते हैं तो क्यों, वो आई थी अभी खाना खाने बब्जी का, कि तू अगर नहीं खा रहा तो हमें फिनिश करने दे, क्योंकि देखो टेस्ट तो चावलों में चिकन का रह ही जाता है ना, क्योंकि चिकन जब उबलता है तो पानी मिलता है तो टेस्ट तो आ जाता है। तो उसने क्लोडो को घुरा के देखा कि मेरे चावल है ना मैं खुद खत्म करूंगा, तो अब संगीता ना खड़ी है कि इसके भी बर्तन हम लोग धो के चले जाएं, पर वो खत्म ही नहीं कर रहा, और हमने खत्म करे बिना अगर उठा लिए तो हाथ पकड़ लेगा ना वो। देखो क्लोडो, क्लोडो नो, क्लोडो नो, क्लोडो गई है कि मैं उसका खाना खा लूं, क्लोडो क्लोडो नहीं, क्लोडो नहीं, नहीं नहीं बेटा नहीं, पापा का खाना खाएगी तेरे को शर्म नहीं है। औला तो अभी बैठ गई है कि जब हट जाएगा बब्जी और तब बचेगा जो नीचे गिरा पड़ा मैं वो खाऊंगी, अभी मेरा हस्बैंड खाना खा रहा है मैं पति को तंग करूंगी, एक दूसरे को देख लाएंगे। हाँ एक दूसरे को देख, औला तूने खा लिया ना अपना, इसको भी देती है ना ज्यादा। हाँ बस ठीक है, अब बब्जी अब ये देख रही है, बब्जी अब इधर आ गया देखने की, सालों मेरे खानों पे नजर डालोगे तुम,
क्या हुआ बब? हम हॉस्टल में देख रहे हैं क्या है बब? ओला और ये दोनों ताकि कान ना के लिए और ये दोनों ताक में है। ओला देखो चुपचाप बबजी को ना बेवकूफ बना के देखो उस साइड से वहां निकल गई है कि तू नहीं खा रहा मैं होय रॉ कितनी चला के परफेक्ट वाइफ है ये भाई बड़ी तेज औरत है बड़ी तेज बब्जी को बुद्धू बना के बब्जी को पानी पीना बेटा पानी डाल के दे उसको दे रहे हैं बब्बू देखो नलका चाटने गया है सिग्नल दिया इसने कि मुझे पानी पीना है दे रहे हैं बब्जू दे रहे हैं पानी पिएगा मेरा बेटा मेरे बेटे के गले में अड़ रहा होगा ना कुछ हाँ बेटा दे रहे रख दे बेटा तू मत चिल्ला रख दे संगीता मत पंगे ले हाँ ज्यादा शाड़ी बन गई संगीता बस पी ले बब्जी इसमें से पी ले राजा इधर आओ बब्बू ये लो पानी पी लो पी लिया और नहीं पीना पक्का पेट भरा है कुछ गुड बॉय चलो हम निन्नी कर लो ठीक है हम जाए शिपू भैया आने वाले हम जा रहे हैं ठीक है चलो बाय तो वहां पे ओला ने बब्जी का बचा खुचा खाना खत्म कर लिया है ओला और बड़ी सफाई से खत्म करा है इसने कि पता रहना चले पापा को अब दोनों लड़कियां लग गई हैं लड़कियां हमारी भूखी हैं लड़का हमारा संभला हुआ है ये तो देख लो कांच पे और ग्रिल पे भी जो लगी हुई है ना चावल उसको भी चाटने में लगी हुई है चटोरी औरतें ओला तू बड़ी शानी है ब्रो बड़ी शानी है तो चलो गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यही एंड कल मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में और आई होप आपको मेरी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कुछ समझ आई होगी और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो ज़रूर बताना बाकी अगर बोर किया तो सॉरी मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में तब तक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ओके टेक केयर बाय बाय बाय